अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दिन का आगाज़ हो चुका है एक नई वीडियो के साथ। सीन ये है कि यार हम करेंगे कुछ आवर्स लाहौर में स्पेंड। इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं बाय रोड, और मैं वहाँ कुछ आवर्स इंशाल्लाह गुजारूंगा, और बाकी जिन जिन जगहों पे जाऊंगा आपको सब बताऊंगा। फ़िलहाल मैंने अभी इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा जो है क्रॉस करके मोटरवे पे मैं रवा दवा हूँ लाहौर की जानिब। ये है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, बाकी इंशाल्लाह अभी दिखाते हैं आपको सीन आगे। लाहौर मोटरवे पे मैं चल रहा हूँ अभी, और मतलब आपने देखा होगा व्यूज़ बहुत प्यारे प्यारे हैं यार। इस्लामाबाद से लाहौर का जो मोटरवे है ना, इसके व्यू काफ़ी अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। मैं अभी रास्ते में क्या आप लोग को ये और इतना क्या दिखाऊँ, जितना मैंने आपको व्यू पीछे दिखाया सारा इसी तरह का, लेकिन बहुत मज़ा आता है मोटरवे पर सफ़र करके। अभी ये थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि हाँ अभी दो मिनट पहले जो है ना लाहौर टोल पर था, इस्लामाबाद टोल पर तकरीबन कुछ सेकेंड बाद जो है रोड आ गया, फिर एक व्यू आ गया और फिर लाहौर आ गया। लेकिन जाने में जो है ना, खुद जब जा रहे हो बड़ा लंबा सफ़र होता है। वीडियो में फ़ायदा है आप लोगों को, आराम से कुछ ही टाइम में इंजॉयमेंट हो जाती है इतनी बहुत, बस सपोर्ट किया करो ऐसे ही भाई को। पिछली वीडियो पे बड़ा या पिछली वीडियो पे एक सीन भी हो गया था, मुझे काफ़ी लोगों ने शिकायत की है कि वो वीडियो लैंडस्केप नहीं हो रही थी। असल में मैंने अपना जो है ना एडिटर चेंज किया था इस बार, लेकिन कहते हैं ना कि वो पुराने ही अच्छे होते हैं। खामा खा मैंने वो चेंज किया तो उस पर सीन हो गया मेरे साथ, उस पर फिर वो स्क्रीन फुल नहीं शो हो रही थी। लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को अभी फुली नज़र आ रही होगी, तो बाकी साथ बस कनेक्ट रहते हैं, दिखाता रहूँगा आपको। कलर गहार इंटरचेंज पे मैं इंटर हो रहा हूँ, ये देखें कलर गहार का व्यू बहुत ही जो है ना प्यारा है, और कलर गहार का व्यू फेमस भी बहुत है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने यहाँ से मेरे ख्याल से खाना खाया था रात का शायद। बड़ा प्यारा इंटरचेंज है ये कलर गहार का। ये है जी कलर का हार इंटरचेंज, इसकी खूबसूरती की एक अपनी बात है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे जो व्यू है ना, मतलब ये कुदरती सारा पहाड़ियों का। ये यहाँ बसेस भी आगे लगती है, बहुत बड़ा इंटरचेंज है। ये हमने अपनी भी लगा दी गाड़ी यहाँ पर, और इस पे ना रेस्टोरेंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे। ये यहाँ मैंने एक दफ़ा खाना खाया था, ये इसका शेनवारी रेस्टोरेंट जो है आपको दिख रहा है, है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना पेट आपका अप एंड डाउन हो जाता है इससे। खाने का तो वैसे अभी ख़ास टाइम नहीं है, लेकिन मैंने कहा यार चाय शाय की जो है ना होनी चाहिए रिफ़्रेशमेंट, चाय आप पीते हो तो थोड़े से फ्रेश हो जाते हो बस। इनकी ये बड़ी अच्छी आदत है, आप गाड़ी आके लगाओ ये खुद ही साफ़ करने लग जाते हैं। लेकिन कलर कार से एग्जिट कर रहे हैं अब आगे की तरफ लाहौर के लिए रवा दवा है। देखिए एक अलग ही हसीन वादी आपको नजर आएगी सामने, चेक करें। ये व्यू देखें भाई, कलर कहार की खूबसूरत पहाड़ियाँ। ये मोड़ बहुत ख़तरनाक है, कभी भी आप खुद आए ना तो, वैसे तो साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं लेकिन बहुत एहतियात करनी। मेरी स्पीड आप देखें 30-37 मतलब 40, बहुत आपको स्पीड यहाँ डाउन करके सुकून से जाना पड़ेगा। और इस जगह पे आप मतलब ओवर स्पीड तो कर ही नहीं सकते ना, बिल्कुल ख़तरनाक है, अपने लिए रिस्क है खाम खा, चाहे कोई ना भी देख रहा हो। अब ये देखे ना पहाड़ और ये रोड इस तरह के हैं कि ये आपको बोर्ड्स भी नज़र आ जाते हैं। देखें इन्होंने पहले ही बताया कि यहाँ पर स्पीड आप 30 से ऊपर नहीं रखें। अब मैं स्पीड अपनी स्लो करूँगा, यहाँ पे 30 करेंगे हम इसको। ये जो है ना ढलान है, यहाँ आपने ज़्यादा भी स्पीड हल्की फुल्की भी ऊपर की ना तो आप एकदम ही नीचे हो जाएंगे, मतलब डाउन।
माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। एक और चीज़ चेक करें आप, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, देखें कितने इत्मीनान से चल रहे हैं खुद ही, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने लिए ख़तरा है यार अगर ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करेंगे तो। अब स्पीड थोड़ी सी दे सकते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि आगे चढ़ाई है मेरे ख्याल से। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये पहले देखें, ये आप चढ़ाई देख रहे हैं, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, इस बोर्ड का मकसद ये है कि अगर आप मिसाल है ओवर स्पीड आ रहे हो और आपकी ब्रेक फेल हो गई, तो आप इस चढ़ाई पे डायरेक्टली ऊपर जा सकते हैं, जिसके थ्रू आपको जो है ना आपकी ब्रेक लग जाएगी ऑटोमेटिक। ये देखें दरियाए झेलम, दरियाए झेलम चेक करें, और इसके ऊपर ये ब्रिज चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा बना हुआ है। मेरा जी लाहौर कितना रह गया। अच्छा जी, हम पहुँच चुके हैं लाहौर टोल प्लाजा, ये देखें, बस अभी यहाँ से जो है इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे, आगे जाकर लाहौर, लाहौर उतर के जो है फिर अंदर आपको मज़ीद दिखाएंगे लाहौर शहर। ये लाहौर का टोल प्लाजा है। अच्छा, पीछे कराची का जो रास्ता है ना, वो अलग हो चुका था पीछे, ये सीधा माए तो लाहौर के लिए है। अंदरून लाहौर इंटर हो चुके हैं, मतलब लाहौर के अंदर इंटर हो चुके हैं। ये लाहौर शहर है देखें। ये आप लोगों का तो पता नहीं है, लेकिन असी जम लिया, वो बोलते हैं कि जिन्हें वो लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, ये मैं देख लिया लाहौर, लाहौर देख ही रहा हूँ मैं। अभी देखते हैं किसी जगह भी जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। लाहौर पहुँच कर हमने फिर से एक बार फ्यूल फुल करवाया, इस्लामाबाद से फुल करवाया था, अब लाहौर में फुल करवा रहे हैं। देखें, अब फ्यूल फुल करवा के हम निकलेंगे आगे, थोड़ा सा जाएंगे किसी प्लेसेस पे, वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, छठ तो नहीं आया? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था। वो आया, वो आया। ये किला लक्ष्मण सिंह, ये आया किला, ये है जैसे ऊपर बढ़े हैं, ये बूढ़ा दरिया, बूढ़ा रावी, बूढ़ा दरिया, ये किला लक्ष्मण सिंह सार ऊपर, जिस सड़क ऊपर जाने, ये बूढ़ा दरिया है, बूढ़ा दरिया मीन रावी इतों बगता से पहले, वो देखो वो है किले की दीवार। ये हम आ चुके हैं, यादगार कहते हैं इस प्लेस को। यहाँ पर सामने मीनार पाकिस्तान भी सामने, और बादशाह मस्जिद भी आपको यहीं सामने मिलती है, मतलब ये एक ही जगह है, यहाँ पर हर चीज़ आपको अंदर ही मिलती है। अब यहाँ से हम चलते जाएंगे, ठीक है, और दोनों साइड पर हम देख सकते हैं व्यू। ठीक है, ये है मीनार पाकिस्तान सामने, और यहीं पर आगे ये है बादशाह मस्जिद। बहुत अच्छा है यार लाहौर, खुशी हो रही है देख के, जो बात है। अच्छा, अंदर आप इसमें भी बैठ के जा सकते हैं, ठीक है, इसमें बैठ के भी जा सकते हैं अगर चला नहीं गया आपसे, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जवान हैं, चलते हुए जाएंगे। शाही सवारी आ गई है गाइस, शाही सवारी आन क्या है, चलो चलो। अच्छा, ये है जी रंजीत सिंह, एक थे यहाँ पर, उन्होंने मतलब यहाँ इस जगह पे ना लाहौर में, जब पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले 150 साल हुकूमत मतलब उनकी थी यहाँ, रंजीत सिंह की, तो ये उनकी यहाँ कब्र है अंदर, ये उनका वो बना हुआ है गुरुद्वारा टाइप। ये देखें आप, सिख रिलीजन का झंडा भी है ऊपर ये, और उसके सामने ये फूड स्ट्रीट भी है, बड़ी अच्छी है, मतलब अभी न्यू ही ओपन हुई है। ठीक है, ये फूड स्ट्रीट फूड फैक्ट्री के नाम से। इस कैफ़े की भी एक तारीख है, ये 1947 में एक कैफ़े बना था, अब तो फ़िलहाल मेरे ख्याल से बंद है, हल्का फुल्का चल रहा है, ये देखो लिखा हुआ है इसमें। बाकी ये कि पैदल चलने वाला सीन है, जैसे हम नहीं जाते मनोड़ा, मनोड़ा आयरलैंड जाते ना हम लोग, तो वहाँ उतरने के बाद बोर्ड पर फिर हमें पैदल चलना पड़ता है बहुत सारा। इधर भी अंदर काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन माशाल्लाह खूबसूरती बहुत है। ये देखें, ये वो रंजीत सिंह का ऊपर जो है मकबरा टाइप बना हुआ है, उनकी अंदर ही कब्र है, और ये इनका गुरुद्वारा, ये देखें, ये सिख कम्युनिटी का गुरुद्वारा बना हुआ है अंदर। ये देखें जी शाही किला, और इसकी मजबूती देखें आप, उस दौर का ये बना हुआ है, उस दौर का बना हुआ है, कितना मजबूत है यार, देखें किस तरह से मज़दूरों ने काम किया होगा और ये बनाया होगा इतनी मेहनत से। ये देखें, यह है गुरुद्वारा, जिस गुरुद्वारे की मैं बात कर रहा था वो रंजीत सिंह, जिन्होंने 150 साल हुकूमत की है, उनका ये गुरुद्वारा है, देखें ये लिखा है गुरुद्वारा डेरा साहिब श्री गुरु अंजाम देव जी लाहौर, बहुत प्यारा बना हुआ है ये भी, मतलब ये सारी तारीखें ना आपको अंदर ही मिलेंगी, ये टूरिस्ट भी आए हुए गोरे।
सारा जो दिल्ली टाइप लाहौर है ना, दिल्ली वाले जैसा जो पुराना आज़ाद होने से पहले, ये सारा आगे पीछे सारी पुरानी बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, अभी तक टूटी नहीं है। देखें ये बादशाही मस्जिद, और रश बहुत है यार यहाँ पे। आज असल में सैटरडे का दिन है ना, तो रश बहुत ज़्यादा है। ये जी शाही किला, ये देखें ये गेट देखें, पुराने दौर का वही शाही, बादशाह सलामत जब आते थे ना, बादशाह सलामत वो यहाँ से गुजरा करते थे, ये एंट्रेंस थी उनकी भाई। ठीक है, ये जी शाही गेट में हम एंटर हो गए। नहीं थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। अच्छा ये है, थैंक यू। ये देखें जी, ये जो आपको स्टेयर्स नज़र आ रही है ना, यहाँ से हाथी उतरा करते थे, बादशाह सलामत के हाथी इन जगह से आते थे। और ये है शाही किला, ये देखें लाहौर शाही किला, ये गेट था। यहाँ से पीछे जो मैंने आपको दिखाया ये है, अब ये ऊपर चढ़ते जा रहे हैं हम। ये देखें कितना बड़ा बना हुआ है यार, ये 200-300 साल पुराना ब्रिज है अभी तक देखें इसके अंदर ही। जैसे कचहरियाँ होती हैं ना आज के दौर में, ये जगह देखें, जब उस दौर में जब भी कोई पंचायत मसले होते थे ना, तो बादशाह सलामत के पास लेकर लोग आते थे अपने मसले, तो इस जगह पर वो बादशाह सलामत उधर ऊपर बैठते थे, सारी रियाया नीचे ग्राउंड में होती थी, तो यहाँ से ये लोग जो है ना फिर अपने मसले सुलझाते थे बादशाह के थ्रू। ये देखें जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि मसले वगैरह सुलझाते थे, ये बादशाह सलामत यहाँ बैठते थे, यहाँ ऊपर बादशाह सलामत बैठते थे, यहाँ नीचे सारे उनके इस तरह गार्ड्स होते थे। ठीक है, ये उनके दौर की तलवारें और ये चीज़ें मौजूद हैं, ये देखें। ठीक है, तो बादशाह सलामत यहाँ बैठ कर यहाँ रियाया खड़ी होती थी, सबके मसले सुलझाते थे। ये किले के अंदर ही, शाही किले के अंदर ही एक व्यू है, यहाँ बादशाह सलामत मेरे ख्याल से शाम की वॉक करते होंगे जोगर्स पहन के। ये जो है ना बहुत बड़ा एक गार्डन टाइप व्यू बना हुआ है इनका, बहुत ही मतलब यार आप बादशाहट चेक करें ना बादशाह सलामत की, कितना बड़ा एक एरिया उनके पास। जब वो मैंने आपको दिखाया ना शाही किला, ये उन्हीं बादशाह ने ना अपने लिए ये मस्जिद थी, ये जो आप जिसे जानते हैं, हम सब जानते हैं शाही बादशाही मस्जिद, ये अंदर ही मस्जिद है और ये उनका किला है ये सारा। ये जी शाही गेट, ये शाही गेट है, एंट्रेंस होती थी यहाँ से बादशाह सलामत की। बादशाही मस्जिद इंटर हो रहे हैं हम, ये है एंट्रेंस बादशाही मस्जिद की। और ये अक्सर अपने पहले स्टिकर्स में मतलब कॉपी पे जब पेस्ट करते थे स्टिकर्स बचपन में स्कूल में, तो ये हम देखा था उसमें ही पिक्चर में, आज शुक्र है कि आज ये देख भी लिया। ये मेन एंट्रेंस ये है उसकी मेरे ख्याल से शाही किले की, ये शाही गेट है। क्या ही बादशाहट थी यार उनकी उस टाइम। ये है गार्डन इसका, बादशाही मस्जिद का गार्डन, और ये सामने एक व्यू आता है बादशाही मस्जिद का, माशाल्लाह कितना प्यारा है देखें। ये सामने गेट है शाही गेट, और ये है सामने बादशाही मस्जिद। मगरिब का टाइम हो चुका है, अजानें हो रही हैं सब में, देखें बादशाही मस्जिद के अंदर का व्यू। ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्रेंस होती है, और ये सारी मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत प्यारा व्यू है। वैसे अभी तो अंधेरा हो गया, लेकिन अब क्या करें यार, इतना दूर से आए हुए, अब जो भी टाइम हो गया देखना तो है, आपको भी दिखाना है। ये देखो ये सारी है बादशाही मस्जिद, ये वो जो पहले दिखाया था वो किला था। ये जी मस्जिद के अंदर का एरिया है, नमाज भी होती है 5 टाइम।
टेम्पल। वो मैंने आपको भी जो बादशाही मस्जिद और शाही किला दिखाया ना, तो उसके बिल्कुल सामने ही अपोजिट साइड पे ये है मीनार पाकिस्तान। अब ये देखने आ गए हम, रात हो चुकी है। असल में थोड़ा सा आपको देखने में मुश्किलात होंगी, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके और कर रहा हूँ कोशिश दिखाने की। अब अंदर भी जाऊँगा इसके। यार असल में सीन ये हुआ है कि हम वहाँ पर बहुत टाइम लगा के आए ना, तो इस वजह से ये जगह हो चुकी है बंद। ये बंद हो गया, इसके अंदर तो नहीं जा सके, लेकिन यहीं से देखा है, मतलब आप लोगों को भी दिखाया। ये देखो, ये मीनार पाकिस्तान है, बाकी तो आपको पता है। सब मेरी तरह पढ़े लिखे ही हो, करारदाद मंजूर हुई थी यहाँ से पाकिस्तान की। अच्छा जी, अब हो गई ये रात, जितना घूम सकते थे हमने घूम लिया, मतलब ये सर्कल हमने आपको सारा दिखाया। अब हम रवा दवाएँ वापसी की तरफ, मतलब घर की तरफ। अब जो है ब्लॉग जा रहा है एंडिंग की तरफ है। ये सारा सर्कल तो अंकल जी ने बहुत, ये हमारे रिलेटिव हैं, यहीं के रिहायशी हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने हमें साथ जो है यही घुमाया, हमें ये गाइड इन्होंने दी है। और अब हम इस एरिया से निकल रहे हैं, इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो फिर आएंगे यहाँ पर। जब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।